हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के 2.3 के कुछ दो तीन वर्ड एग्जांपल हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ये थ्री क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन जो है वो दो मेथड से आता है। एक है सॉल्यूशन जो है वो दो मेथड से आता है, वो है रिडक्शन मेथड और मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो मोस्टली हम सभी एग्जाम्पल मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 25 रिडक्शन में मेथड ऑफ रिडक्शन है, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल मेथड ऑफ रिडक्शन से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले अभी वर्ड प्रॉब्लम में कैसा है, जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख लो, ठीक है। क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर इज 60 रुपीज, ठीक है। आफ्टर दैट द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर इज 90 रुपीज। ये सेकंड कंडीशन दी है, ये फर्स्ट कंडीशन दी। उसके बाद वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स इज 70 रुपीज। ये थर्ड कंडीशन स्टूडेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच एटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपको तीन कंडीशन दी है और बोला है कि ईच एटम यानी वन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 इरेजर एंड ईच, बोला है ना, 1 पेंसिल, 1 पेन एंड 1 इरेजर की आपको प्राइस फाइंड करनी है बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप, जो भी आपको एग्जांपल वर्ड में दिया है उसको सिंबॉलिकली फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। उसके पहले वर्ड प्रॉब्लम में जनरली क्या होता है, जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसको किसी वेरिएबल से डिनोट करना पड़ता है। तो मैं ईच एटम बोला है ना, तो वो उसको मैं एक्स वाई और जेड वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पे आएगा लेट लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीस एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीस वाई एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी रुपीस एक्स, सॉरी जेड, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीस एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीस वाई एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर विल बी रुपीस जेड, ठीक है। नाउ नाउ बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशंस क्या दिए स्टूडेंट, कंडीशंस क्या दिए है बाय द गिवन कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर 1 पेंसिल की कीमत प्राइस 1 रुपीज है तो 4 पेंसिल की कितनी होंगी, 4x, प्लस 3 पेंस की, 1 पेंस की प्राइस है 1 पे वाई, यहां पे आएगा 3 वाई, प्लस 2 इरेजर है ने 2z, 1 इरेजर की प्राइस है जेड, तो 2 इरेजर की 2z विच इज इक्वल टू 60 रुपीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 4y, 4 पेंस प्लस 6 इरेजर यानी 6z इक्वल टू 90 रुपीज। यहाँ पे सभी इसमें इवन नंबर है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, टू कॉमन लेके एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे 2y आ जाएगा प्लस 3z इक्वल टू 90/20 और 2 दैट इज 45। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये हो गया इक्वेशन 2। एंड थर्ड कंडीशन इज व्हाट इज दैट, द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 2 पेंस एंड 3 इरेजर, दैट मींस 6x, 6 पेंसिल, 2 पेंस मींस 2y प्लस 3 इरेजर मींस 3z विच इज इक्वल टू 70 रुपीज। ये होगी इक्वेशन इक्वेशन थर्ड। अभी स्टूडेंट हमको फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अभी मेथड ऑफ इन्वर्जन में अगर कोई इक्वेशन दिए है और उसका सॉल्यूशन हमको अगर फाइंड करना है तो किस में लिखना पड़ता है वो इक्वेशन, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे लिखो, वी राइट अबो इक्वेशंस
इन मैट्रिक्स फॉर्म, और हमारा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, एक्स इक्वल टू बी एस, तो यहां पे 4 1 a1 a2 a3, 4 1 6 b1 b2 b3, 3 4 4 नहीं आएगा यहां पे, 2 आएगा, 3 2 2 c1 c2 c3, 2 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, 2 3 and 3, वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू, अभी यहां पे कॉन्स्टेंट नंबर क्या आएगा, 60, हियर 90 मींस 45, और यहां पे 70. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में शो ने, फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर where a equal to, if what, a is the coefficient of matrix 4 1 6 3 2 2 2 3 3 and b is the variable of matrix, so sorry x equal to variable of matrix, x ke variable x y and z, and b is the constant of matrix 60 45 एंड 70. यू क्या स्टूडेंट, अभी इसमें हमको मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या फाइंड करना पड़ता है, पहले ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता है, तो यहां पे ए इनवर्स फाइंड कर लो. नाउ फाइंड ए इनवर्स, और स्टूडेंट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यस किसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, डिटरमिनेंट की. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगा, और नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो हम इजीली इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स 4 1 6 3 2 2 2 3 3. ठीक है, तो 4 into 3 to the 6 minus 6 minus 3 into first row first column 3 minus 18 plus 2 into 2 minus 12. तो ये तो 0 आ गया स्टूडेंट, 4 into 0 0 minus 3 minus 18 minus 15 minus 15 into 3 plus 45 minus 10 into 2 minus 20. तो ये आ गया स्टूडेंट 25, which is not equal to 0. यानी 0 नहीं, that means this matrix is a non-singular matrix and therefore we write A inverse is exist. A inverse is exist. हम इसका A inverse निकाल सकते हैं. आपको आगे की step पता है स्टूडेंट. A inverse find करने के बाद, A inverse exist है, A inverse find करने के बाद आपको pre-multiply करना है AX equal to B के साथ. और फिर right hand side में algebra of matrix यानी multiplication of matrix करके उसको बाय इक्विलेटिव मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है. ये हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट है. अभी मैं लेफ्ट साइड का मिटा रहा हूं. ठीक है, तो देखो यहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया. अभी आपको स्टूडेंट ए इनवर्स फाइंड करना है, मैं एग्जांपल भी मिटा रहा हूं. ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया. अभी यहां पे देखो, नाउ ए इनवर्स फाइंड, मैं ये जो है स्टूडेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो इनवर्स फाइंड करना है. जरूरी नहीं कि आप एलिमिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड कर सकते हो, आप एडजॉइन मेथड से भी ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो. मैं इस एग्जांपल में एडजॉइन मेथड यूज करके ए इनवर्स फाइंड करने वाला हूँ. ठीक है, तो एडजॉइन मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना जरूरी है, तो मैं इसका पहले माइनर निकाल रहा हूं. तो क्या आएगा, एम वन वन एम वन टू एम वन थ्री. ठीक है, यहां पे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, उसके बाद एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री, हियर ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, उसके बाद यहां पे एम थ्री वन एम
3 2 m 3 3। ये हो गया स्टूडेंट इसका माइनर निकालना है। तो फर्स्ट m11 i j के फॉर्म में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मैट्रिक्स है ना, इसमें देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 6 - 3 2 6, तो ये जीरो आ गया। जाहिर सी बात है इसका कोफैक्टर भी जीरो ही आने वाला है। उसके बाद m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 3 1 3 3 - 18 3 - 18 दैट इज -15, तो 1 + 2 3 है, तो ये +15 आने वाला कोफैक्टर। m13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 2 2 - 12 दैट इज -10, तो इसका कोफैक्टर 1 + 3 4 आता है, दैट मींस -10 ही आने वाला है। उसके बाद m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 9 - 4 5, बट 2 + 1 = 3 3 8 नंबर, इसलिए -5। उसके बाद m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 3 12 6 2 12 4 3 12 6 2 12 गेटिंग जीरो, तो ये भी जीरो आया जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 2 8 - 6 3 18 8 - 18 यस दैट इज -10, बट 3 + 2 5 - 8 नंबर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद m31 मींस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 9 - 4 अगेन 5। ठीक है, हमारा m21 जो है स्टूडेंट, m21 ये भी 5 आया था, m31 जो है ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 - 4 ये भी 5 आ गया। उसके बाद इसका कोफैक्टर जो है वो a 3 1 3 + 1 4, तो ये भी 5 आने वाला है। थर्ड 3 2 m 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 3 12 12 - 2 व्हाट 10, बट 3 + 2 5 - 8 नंबर, तो a 3 2 कितना आएगा -13 आने वाला है। m 3 3 मींस थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 2 8 8 - 3 5, तो 3 + 3 6 है, तो a 3 3 कितना आएगा, ये भी 5 आएगा। ये हो गया स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर। अभी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। तो ये देखो 0 15 10 0 15 सॉरी -10 है, उसके बाद -5 0 10, उसके बाद है 5 -10 5, हो गया ये। उसके बाद स्टूडेंट इसका एडजॉइंट में इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या लिखना है, एडजॉइंट निकालना है इसका, इसलिए लिखो यहां पे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अगर कोफैक्टर दिया है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स और मुझे उसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, वेरी गुड, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 5 - 10 5। यू कैन स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए, अभी मुझे एडजॉइंट मिल गया है, तो मैं इजीली क्या फाइंड कर सकता हूं इसका, एडजॉइंट मिल गया है तो मैं इसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूं, इसलिए लिखो यहां पे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो हमारा डिटरमिनेंट कितना है स्टूडेंट, यहां पे 25 आ गया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया ये लिख लो, 0 15 - 10 - 5 0 10 5 - 10 5 5 - 10 5। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 1/25 × 0 ये तो 0 होगा, -1/5 इसका मल्टीप्लीकेशन 1/5, ये 5 3 3/5 ये 0 ही आ जाएगा, -10 - 2/5
फाइव, ये माइनस टू बाय फाइव, ये कितना आएगा स्टूडेंट, टू बाय फाइव और ये वन बाय फाइव। तो ये हो गया स्टूडेंट ए इनवर्स। उसके बाद मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या करना पड़ता है, यस ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाइड करना पड़ता है, किसको, ए एक्स इक्वल टू बी को। तो नेक्स्ट स्टेप में प्री मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है ये आप, ठीक है मैं स्क्रीनशॉट आप निकाल लेना, ठीक है याद रखो 25 निकल गया हमारा। अभी देखो ए इनवर्स हो गया, नाउ प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करना है, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, ये आती है आई आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू यहां पे फाइंड की है जीरो, थ्री बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव, सेकेंड रो कॉलम माइनस वन बाय फाइव जीरो टू बाय फाइव, एंड थर्ड वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव एंड वन बाय फाइव। और स्टूडेंट हमारा B यानी क्या होता है, क्या है, यस B इज द कॉन्स्टेंट ऑफ मैट्रिक्स, और कॉन्स्टेंट ऑफ मैट्रिक्स की प्राइस कितनी दी थी, फर्स्ट वो दी है स्टूडेंट 60 45 एंड 70, ये दी है। तो ये तो x की वैल्यू होगी ना स्टूडेंट, आई एक्स में से x, इसका मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लो इसको, देखो 0 इंटू 60 जीरो माइनस साइन है, माइनस फाइव वन बाय फाइव इंटू 45 ना, तो फाइव नाइन जा ये नाइन, प्लस वन बाय फाइव इंटू 70 यानी 14, फाइव जा 70 होता है तो यहां पे आएगा 14। उसके बाद नेक्स्ट थ्री बाय फाइव इंटू 60 यानी फाइव ट्वेल्व जा 60, ट्वेल्व थ्री जा 36, प्लस जीरो माइनस अगेन फाइव 14 जा 70, 14 टू जा 28, नेक्स्ट 5 12 जा 60, 12 2 जा 24, तो माइनस 24, प्लस 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, 5 14 जा 70, प्लस 14। सुन हमारा जो x है वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स, उसमें कौन से वेरिएबल थे, यस x y और z वेरिएबल थे। फाइनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। x क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेन y and z means 1, the cost of 1 eraser। तो minus 9 plus 14 कितना आता है 5, 36 minus 28 that is 8, minus 24 plus 18 6, minus 6 minus 6 plus 14 8। तो यहां पे लिखो by equality of matrix। क्या होता है स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स इक्वल कब रहेंगे, जब मैं x की वैल्यू 5 लिखूंगा, y की वैल्यू 8 लिखूंगा एंड z की वैल्यू 8 लिखूंगा। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। इसको यहां तक ही छोड़ना नहीं है क्योंकि हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो फाइनली जो आंसर है वो हमको वर्ड में लिखना है। तो x क्या था हमारा स्टूडेंट बताओ जल्दी, हमारा x था द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, y means the cost of one eraser and sorry pen, and z means the cost of one eraser। ये हमको find करना है ना, तो यहाँ पे लिख लो या आप screenshot निकाल लेना, यहाँ पे लिखना है therefore the cost of one, फर्स्ट क्या था वन पेंसिल बी रुपीस 5, कॉस्ट ऑफ
वन पेन विल बी रुपीज 8 एंड द कॉस्ट ऑफ वन, लास्ट में क्या था, इरेजर, वन इरेजर विल बी रुपीज 8। यू गेस्ट वन फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन मान लो 4 मार्क के लिए आता है, जनरली 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे ही, ये नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे ही, तो 4 मार्क के लिए आ गया, 3 मार्क के लिए आ गया, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। वर्ड क्वेश्चन है तो आंसर जो है वो आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू लिखने के बाद आपको ये लिखना है देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, या हेंस करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हेंस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज 5, द कॉस्ट ऑफ वन पेन विल बी रुपीज 8 एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर विल बी रुपीज ऑल्सो 8, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। इफ 3 नंबर्स आर एडेड देन सम इज 2। अगर मैं 3 नंबर ऐड कर रहा हूं तो उस 3 नंबर का सम कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट 8, ठीक है। दिस इज द सेकंड कंडीशन। And third, if 3 times the first number is added to the sum of second and third numbers, we get 4. Find the numbers using matrices. तो स्टूडेंट जनरली वर्ड प्रॉब्लम में जो फाइंड करना है वो किसी वेरिएबल से आपको हमको लिखना पड़ता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है। मैं वो 3 नंबर सेम एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाई एंड थर्ड नंबर जेड। यहाँ पे लिखो लेट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर बी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है एंड थर्ड नंबर जेड है। नाउ अकॉर्डिंग टू conditions, first condition क्या दी है students, देखो 3 numbers are added, तो first ये 3 numbers है ना, अगर 3 मिनट में add कर रहा हूं तो इसका sum कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x plus y plus z equal to 2, ये हो गया first। उसके बाद if 2 times the second number is subtracted from sum of फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर कौन सा है, एक्स एंड जेड है, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। जनरली स्टूडेंट सबट्रैक्ट, अगर मैं बोलूं सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो फ्रॉम के बाद का जो इक्वेशन है या नंबर है वो पहले आता है, इसलिए एक्स प्लस फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पहले आएगा, माइनस 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, यानी 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, यानी 2y विच इज इक्वल टू We get 8, ये हो गया इक्वेशन 2। एंड थर्ड कंडीशन इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर x, तो यहां पे आएगा 3x इज एडेड टू सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर, यानी x y प्लस z विच इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 3। तो स्टूडेंट हमको इक्वेशन मिल गए, ठीक है, मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड की, तो उसको पहले मैट्रिक्स में लिखना है, मैट्रिक्स में लिखने के बाद मेथड ऑफ इन्वर्जन से इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। तो इसको पहले लिखो, वी राइट द अबो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारा मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो स्टूडेंट। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, a1 a2 a3 1, इसको पहले स्टूडेंट मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, या आप लिख लेना, यहां पे स्पेस नहीं है। पहले x तो यहां पे लिखनी, यहां पे z नहीं आएगा, y आएगा, 1 1 3 1 1 3, उसके बाद 1 1 नहीं आएगा, -2 आएगा,
उसके बाद वन, यहां पे वन 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 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, एंड यहां पे टू एट फोर। किस फॉर्म में शो नहीं है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। किस फॉर्म में ये? ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। वेयर वेयर ए इक्वल टू, ए इक्वल टू ये वैल्यू वन वन थ्री वन माइनस टू वन 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 वन, ये ए की वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड बी इज द कॉन्स्टेंट नंबर टू एट एंड फोर। तो ए हो गया वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्स इज द यस वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स एंड बी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। यहां पे लिखो नाउ फाइंड ए इनवर्स, और उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो। वन वन थ्री वन वन थ्री वन माइनस टू वन 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 वन, तो डिटरमिनेंट है तो मैट्रिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखो बाय मिस्टेक हो गया। डिटरमिनेंट में वैल्यू इसकी वन इंटू माइनस टू माइनस वन माइनस वन इंटू वन माइनस थ्री प्लस वन इंटू वन प्लस सिक्स दैट इज सेवन। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे सेवन वन प्लस सिक्स। तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, सेवन वन दा सेवन। तो माइनस थ्री प्लस टू कितना आता स्टूडेंट? माइनस वन प्लस सेवन सिक्स, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो इसका इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये जीरो नहीं आई है। देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट ए इनवर्स मैं ये भी इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, जहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पूछी है उसमें ही आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर आप कर रही है, मेरी एडवाइस है। क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने में एडजॉइंट मेथड थोड़ी हल्की सी डिफिकल्ट है, इसलिए एडजॉइंट मेथड ही निकाल लो। एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड कर लो, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर लो, प्री मल्टीप्लाइड कर लो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स हो गया, अभी क्या फाइंड कर रहे हैं? एडजॉइंट निकालो, सॉरी ए इनवर्स में एडजॉइंट में से फाइंड कर रहा हूं। तो पहले माइनर कोफैक्टर निकालना है मुझे, तो यहां पे लिखो पहले एम वन वन एम वन टू एम वन थ्री, हो गया ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, यहां पे एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री, यहां पे ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, उसके बाद एम थ्री वन एम थ्री टू एम थ्री थ्री, फिर यहां पे ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये हो गया। देखो श्रवी यम वन वन मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, वन प्लस वन टू है तो माइनस थ्री आएगा, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, माइनस वन आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ एम आई जे। उसके बाद एम वन टू एम वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वन वन माइनस थ्री माइनस टू, वन प्लस टू थ्री इज ऑड नंबर तो यहाँ पे टू आएगा। एम वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वन प्लस सिक्स सेवन, तो ये कितना आएगा? वन प्लस थ्री फोर होता है तो ये सेवन ही आएगा। एम थ्री वन सॉरी पहले टू वन लिख लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वन माइनस वन जीरो, तो ये भी जीरो ही आएगा। एम टू टू सेकंड रो सेकंड कॉलम वन माइनस थ्री दट इज माइनस टू, टू प्लस टू फोर होता है इवन नंबर, ये भी माइनस टू ही आएगा। एम टू थ्री सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो वन माइनस थ्री माइनस टू
2 प्लस 3 5 इज आठ नंबर, तो ये 2 आएगा। उसके बाद m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, 1 प्लस 2 3, तो 3 प्लस 1 4, तो ये 3 आएगा। m32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 आएगा। m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और 3 प्लस 3 6 इज अ इवन नंबर, तो ये माइनस 3 आएगा। ये हो गया स्टूडेंट माइनर एंड कोफैक्टर। उसके बाद क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। चलिए ये भी मिटा रहा हूं, ठीक है, ये एग्जांपल ही है आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल रहने वाला है, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, क्या आएगा कोफैक्टर ऑफ ए, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ये ना माइनस थ्री टू सेवन, माइनस थ्री टू सेवन, उसके बाद जीरो माइनस टू टू, थ्री जीरो माइनस थ्री। इसके बाद उसका एडजॉइंट निकालना है स्टूडेंट, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, क्या करना पड़ता है, इंटरचेंज करना पड़ता है रो कॉलम, माइनस थ्री टू सेवन जीरो माइनस टू टू, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम थ्री जीरो माइनस थ्री, ये हो गया एडजॉइंट। तो अभी ए इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय एडजॉइंट मीटर, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां पे फाइंड किया स्टूडेंट मैंने, कितना है 6, और एडजॉइंट ऑफ ए ये माइनस थ्री टू सेवन जीरो माइनस टू टू थ्री जीरो माइनस थ्री। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ये 1/6 मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो यहां पे माइनस 1/2 जीरो, 1/2 यहाँ पे 1/3 माइनस 1/2 थ्री जा 6 होता है, तो माइनस 1/3 जीरो, हियर 7/6 थोड़ा बड़ा कर लो इसको, 1/3 माइनस 1/2, तो ये हो गया स्टूडेंट ए इनवर्स की वैल्यू। अभी मेथड ऑफ इंजीनियरिंग में क्या है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स एक्स इक्वल टू बी से बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आप निकाल लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, ये भी मैं मिटा रहा हूं। यहां पे लिखो देयरफॉर नाउ प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन ए एक्स इक्वल टू बी, तो देयरफॉर ए इनवर्स इनटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, तो मैं प्रॉपर्टी यूज करके करा यहां पे इनवर्स इनटू ए इनटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। वी नो दैट ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आई होता है, और ए इनवर्स की वैल्यू लिख लो यहां पे माइनस 1/2 जीरो 1/2 1/3 माइनस 1/3 जीरो 7/6 1/3 माइनस 1/2, ये हो गया अभी। बट हमारा स्टूडेंट एक्स क्या है, हमारा एक्स है वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स इनटू, यहां पे बी में मैंने लिखा नहीं है, बी की वैल्यू है, बी इज द कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो बी की वैल्यू है स्टूडेंट 284, तो यहां पे आएगा 284, और इसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो यहां पे माइनस 1/2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ होगा, 2 2 कैंसिल, वी गेट माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2 टू द 4। उसके बाद ये 2/3 आ जाएगा स्टूडेंट, 2/3 माइनस 8/3 प्लस 0। उसके बाद ये 2 3 जा 6 होता है, तो 7/3 प्लस 8/3 माइनस 2 टू द 4, मैं इसको 4/2 ही लिख लो ना, ये 4/2 2 हो गया। उसके बाद देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू,
अभी स्टूडेंट इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आएगा माइनस वन प्लस टू, कितना आता है माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू वन, टू माइनस एट माइनस सिक्स बाय थ्री यानी माइनस टू, सेवन प्लस एट फिफ्टीन बाय थ्री मीन्स फाइव, फाइव माइनस टू थ्री, यहां पे हो गया स्टूडेंट। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू माइनस टू एंड जेड इक्वल टू थ्री। योगेश स्टूडेंट एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू, हमको क्या पूछा था फाइंड द नंबर्स, तो यहां पे लिख लो। हेंस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर बी एक्स वाई, सॉरी एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू माइनस टू एंड जेड की वैल्यू थ्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है कि वन है ये फर्स्ट नंबर है, माइनस टू सेकंड नंबर है और थ्री क्या है थर्ड नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मेथड ऑफ इन्वर्जन से कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद, कोई भी इक्वेशन से उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद सॉल्व कैसे करते हैं वो याद रखो, तो ये एग्जांपल आपको आ जाएगा, ठीक है। और जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी फ्यूचर में जितने भी वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, इसलिए इस चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल, अगर कुछ डिफिकल्टीज आती है ठीक है तो यू कैन आस्क मी, लिख लो एग्जांपल। ये फिफ्थ वाला एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, ठीक है। उसमें दिया है द टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री सेट टीवी सेट्स एंड टू वीसीआरस इज 35,000, ठीक है। उसके बाद द शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट रुपीज 1000 पर टीवी सेट एंड रुपीज 500 पर वीसीआर, ही सेल्स टू टीवी सेट्स एंड वन वीसीआर एंड गेट्स द टोटल रेवेन्यू 21,500, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टीवी सेट बी एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वीसीआर बी रुपीज वाई, टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री टीवी सेट्स एंड टू वीसीआर सेट्स बी 3x प्लस 2y रिस्पेक्टिवली, विच इज गिवन टू बी 35। तो स्टूडेंट हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 35,000। यू गेस स्टूडेंट इक्वेशन वन। अभी सेकंड कंडीशन क्या दी है, नाउ द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100 नहीं है 1000 है, रुपीज 1000 पर टीवी सेट एंड रुपीज 5000 पर वीसीआर। सो शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज पर टीवी एंड 500 पर वीसीआर, लेकिन स्टूडेंट पर टीवी, वन टीवी की प्राइस कितनी है एक्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या आएगा एक्स प्लस 1000 और वीसीआर के लिए कितना आएगा वाई प्लस 500, बराबर है। सेलिंग प्राइस बोलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन वीसीआर विल बी कितना आएगा एक्स प्लस 1000 रुपीज एंड वन एंड वन
सॉरी पहले टीवी ए स्टूडेंट, वन टीवी एंड वन वीसीआर बी रुपीस वाई प्लस 500, इतना प्रॉफिट हो सेलिंग सेलिंग प्राइस भी है। लेकिन स्टूडेंट यहां पे क्या बोला है, ही सेल्स टू टीवी सेट्स एंड वन वीसीआर, कितना सेल्स किया है, अगर टू टीवी सेट्स वन टीवी सेट अगर सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, उसको सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, एक्स प्लस 1000 और वन वीसीआर की कितनी है वाई प्लस 100। यहां पर लिखो देयरफॉर देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बोला है टू टीवी सेट्स एंड वन वीसीआर एंड वन वीसीआर बी टू टीवी सेट्स एंड वन वीसीआर बी टू एक्स बी टू इंटू कितना आएगा टू टीवी सेट्स टू इंटू एक्स प्लस 1000 प्लस वन टीवी वीसीआर वन कितना है सेलिंग प्राइस वाई प्लस 500 विच इज गिवन टू बी कितना दिया है विच इज गिवन टू बी वन वीसीआर गेट्स द टोटल रेवेन्यू कितना है विच इज गिवन टू बी 21,500। तो स्टूडेंट यहां पे दो लीनियर इक्वेशन मिल रहे हैं हमको, मैंने डाटिस के फॉर्म में लिखा नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, यहां पे स्पेस कम है तो मैं ये इरेज कर रहा हूं। ठीक है एग्जांपल, तो सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, ये इसको सॉल्व कर लो, टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस 2000 प्लस वाई प्लस 500 विच इज इक्वल टू 21,500 और इसको सॉल्व करना है तो ये आएगा 2x प्लस y विच इज इक्वल टू ये 2500 माइनस 21,500 राइट हैंड साइड में तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 19,000 आ जाएगा, ये कैंसल 21 माइनस 2 19,000, ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन टू। अभी देखो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ये हो गए दो लीनियर इक्वेशन हो गए, उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया भी लिखो, वी राइट इक्वेशन वन एंड टू इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमारा मैट्रिक्स फॉर्म क्या है स्टूडेंट, लिखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, पहले फर्स्ट इक्वेशन है 3 2 a1 a2 b1 b2 2 1 इंटू वेरिएबल कौन से है x और y वेरिएबल है और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहां पे 35,000 और 19,000। अभी ये सभी की जरूरत नहीं है, मैं सब मिटा रहा हूं। ठीक है अभी देखो स्टूडेंट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इक्वल टू 3 2 2 1, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्स इज द वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स एंड बी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 35,000 हियर 19,000। अभी स्टूडेंट यहां पे ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है तो यहां पे लिखो वी फाइंड ए इनवर्स, तो स्टूडेंट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए देख लो कि ये नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है क्या, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लो, पहले दो पार्ट में डिवाइड करो इसको ब्लैकबोर्ड को, तो ये आएगा 3 माइनस 4
3, 2, 2, 1. 3 - 4 - 1, which is not equal to 0. Therefore, A inverse is exist. अभी A inverse अगर exist है, तो स्वयं इसको मैं सेम एडजॉइंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं. तो माइनर कहेंगे इसका M11 इक्वल टू 1. तो A11 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 ही आएगा. M12 कितना आएगा, 2. तो A12 1+2 3 है, इवन और नंबर, -2. M21 कितना आएगा, 2. तो A21 कितना आएगा स्टूडेंट्स, A21 आएगा ये -2, 2+1 3. M22 कितना आएगा स्टूडेंट, M22 3 आएगा. तो A22 भी 3 आएगा, ये हो गया. अभी उसके बाद यहां पे लिखना है देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए. क्या आएगा कोफैक्टर, 1-2 रो वाइज, 1-2 -2 -3 -2 -3. तो इसका एडजॉइंट निकाल लो स्टूडेंट. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, 1-2 -2 3. ये हो गया. देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो 1/ डिटरमिनेंट, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है स्टूडेंट, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1-2 -2 3. माइनस साइन इसमें डाल दो स्टूडेंट, कितना आएगा -1 -2 ये भी +2 और ये -3. तो ये होगी स्टूडेंट हमारी ए इनवर्स की वैल्यू. उसके बाद क्या करना है, यस प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए इज इक्वल टू बी. तो ये अभी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका. यहां पे आएगा स्टूडेंट 3 ए इनवर्स ऑन ए एक्स इक्वल टू बी. तो यह आएगा ए इनवर्स इंटू ए बी, सॉरी ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो प्रॉपर्टीज कर लो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. ए इनवर्स ए क्या होता है स्टूडेंट, ए इनवर्स ए होता है आई एक्स विच इज इक्वल टू. अभी ए इनवर्स की वैल्यू यहां पर मैंने फाइंड की है -1, 2, 2, -3 इंटू बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, वो थी 35,000, 19,000. ठीक है, यहां पे लिख लो 35,000, 19,000. ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना आएगा ये -35,000 + 19 to the what 38. ये 35 to the 70,000 -19 3 कितना होता है 57. यस 57,000. सॉल्व कर लो इसको, -35 + 38 कितना होता है स्टूडेंट 3000. 70 - 57 कितना आता है 13,000. और एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है एक्स एंड वाई. एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 TV एंड वाई इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR. तो यहां पे लिख लो स्टूडेंट, ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं मैं. यहां पे लिखो, हमको इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर एंड ऑल्सो सेलिंग प्राइस बोलिए. ठीक है, यहां पे लिखो देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 TV विल बी ₹3,000 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR विल बी ₹13,000. योगी स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस, नाउ वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस. तो स्टूडेंट यहां पे देखो, हमने लिखा था
कि सेलिंग प्राइस क्या थी, एक्स प्लस 1000 थी, और टीवी की और वीसीआर की एक्स प्लस 500, उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, 500 ही हुआ था ना, वाई प्लस 500, सॉरी। तो यहां पे लिखो देयरफॉर नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ वन टीवी विल बी रुपीज एक्स प्लस 1000 विच इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3000 है, तो 3000 प्लस 1000 इक्वल टू रुपीज 4000 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन वीसीआर विल बी रुपीज क्या था, यस वाई प्लस 500 प्रॉफिट होता ना वीसीआर पे, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, वाई की वैल्यू है 13000 और ये 5, तो ये आएगा रुपीज 13500, ये रहेगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो ये वर्ड क्वेश्चन था, इसलिए हमने जो आंसर है ये वर्ड क्वेश्चन भी लाया है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 2.3 में 3 वर्ड प्रॉब्लम थे, वो हमने मेथड ऑफ इन्वर्जन से उस इक्वेशन उसकी जो वैल्यू है या नंबर्स है वो फाइंड किए, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट ये आज का जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, मिसलेनियस 2.A और लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये आपको होमवर्क दिए मैंने, ये सॉल्व करना है, उसमें अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन सा, आप बताओ कि कौन सा मैट्रिक कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, वैसे वो चैप्टर हम पढ़ लेंगे। थैंक यू।